बस बारिश आ रही है, खूब दबा करके थोड़ी देर पहले ओले भी पड़े हुए। बस सुबह के बजे हैं 5:30। भाई आज बड़ी बारिश तेजी के साथ हो रही है और ये देखिए इनकी जो सीट पड़ी हुई है ये वाली, और ये टुकड़े में जो होगी, और इनका ये जो है और ये हिलने लग रही है बुरी तरह से। हवा चल रही है बड़ी भयानक और ये कुछ ही देर में भी गिरने वाली है। ये भी थोड़ी देर में निकल के गिर सकती है, पूरे पूरे चांस हो रहे हैं इनके। ये हिल रही है भाई साहब, भयानक। इसको कहते हैं नुकसान होना। और आंधी ने कभी कभी प्रकृति अपना विकराल रूप ले लेती है, जिसकी वजह से देखो जितने भी टुकड़े दिखाई दे रहे हैं, और ये गिर गई है। लेकिन ये क्या पता किसी के सिर में लग जाता, इसे कुछ भी हो सकता था। ठीक है, साथ कर लेते। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है आपका? वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और उसका टुकड़ा गिर चुका है पहले से। ये फोन चला रही है और इसको पता नहीं क्या होने जा रहा है। सिर पे भी गिर सकती है ये। अगर किसी के सिर पर लगती और वो पता कैसे टूटी, गिरने से नहीं टूटी, देखे खड़ी टक्कर मार के टुकड़ों में बटी है। भाई मौसम हो गया जबरदस्त वाला, आज अनुष्का पेपर है वो दिलाने जा रहा हूँ। लेकिन भाई रात को तो नहीं कह सकते, सुबह के टाइम मौसम तो रात से बना हुआ है, लेकिन बारिश की सिचुएशन अभी भी जो है बिल्कुल। भाई मौसम इतना बेहतरीन लग रहा है, एक नंबर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ दिन पहले जो दिल्ली के अंदर प्रकोप था गर्मी का, वो तो कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। भाई साहब ये देखो क्या बात है, ज़बरदस्त वाली फीलिंग आ रही, ज़बरदस्त। क्या बात है, क्या बात है भाई। रात को ना इतनी तेज़ हवा चली है ज़बरदस्त वाली, और सुबह तक ये देखो हमारा जो नेशनल फ्लैग है ना वो अभी फट गया। ये देखो भाई साहब फट चुका है, ये देखो इसकी बहुत बुरी कंडीशन हो गई है। ये रहे इसके कोने हैं, निकल गए सारे। तो ये कहाँ कहाँ बोर्ड वगैरह बहुत पड़ा है, कहीं ना कहीं नुकसान भी काफ़ी हुआ है। लेकिन मौसम ऐसा ठंडा हो गया जैसे कि लगता नहीं कि गर्मी कभी थी भी, सर्दियों का दिन लग रहा है मेरे को तो। करीबन अक्टूबर नवंबर का मौसम लग रहा है भाई, बहुत जबरदस्त कंडीशन देख रहे हैं। ये एक राजभोग है, इसका भी बोर्ड गिर चुका है। भाई ये देखो ये वाला फ्लैग भी फट चुका है लगभग लगभग, इसकी किनारियाँ सारी निकल चुकी हैं। ये भी क्या प्रकृति की बार गुस्से में आई है भाई, संभल के रहना। हाँ प्रकृति के साथ छेड़छाड़ चल रही है, वो कहीं ना कहीं क्रोधित हो रही है। लेकिन ऐसा मौसम एकदम से पलटता हुआ ऐसा सिस्टम मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा, लेकिन अब की बार बहुत ज़बरदस्त मामला चल रहा है। ये देखो यहाँ पे भी काफ़ी सारा नुकसान तो हुआ, कहीं तारें टूट रही हैं, कहीं पेड़ टूट रहे हैं। और ये देखिए इस फ्लैग का भी काम हो चुका है, ये भी गया काम से, हर जगह नुकसान है। ये जो पेड़ों के साथ में जो बीचों बीच हम चलते नहीं, ये जो लोकेशन आती है ना वो बहुत ही पहाड़ है एक नंबर, कितनी जबरदस्त आ रही है जैसे कहीं पहाड़ों की तरफ निकले हुए हैं, मजा आ रहा है देख करके भी। भाई साहब भाई ये रोड के साइड में देखो यहाँ और इधर में सारे में ही इतने पत्ते जड़े हैं ना, इतने पत्ते दुनिया भर के सारे में पत्ते पत्ते पड़े हुए हैं दुनिया भर के। देखो सारी टहनियाँ टूट गई, इतने छोटे मोटे हल्का फुल्का पेड़ तो शायद मेरे को लगता बचा ही नहीं होगा। तो बीच में भी खैर मैंने कैमरा ऑन नहीं किया था उस टाइम तक, तो काफ़ी पेड़ टूटे पड़े थे छोटे मोटे, बड़े तो नहीं कह सकते लेकिन हाँ छोटे मोटे टहनियाँ उनकी। ये देखो आप सारी की सारी इधर सब टूटी पड़ी हुई है। ये देखो भाई ये पेड़ निकला, ये गया है, ये तो जड़ से ही चला गया, इसे कहते हैं नुकसान। प्रकृति कहीं ना कहीं अपना गुस्सा ऐसे निकालती है भाई, बचो और संभलो। भाई फाइनली जहाँ पे पेपर है हम वहाँ पहुँच चुके हैं, और वेट करते कि थोड़े टाइम से पहले आ गए। मुझे लग रहा था कि बारिश की वजह से साथ जाम मिल सकता है,
लेकिन जाम तो है नहीं, सब कुछ ओपन। भाई ये लिया अभी चॉकलेट, और इस चॉकलेट का हाल देखिए, अभी खूबी खोल लिया मैंने, खोलने के बाद क्या हुआ, गर्मी थी कुछ दिन पहले, उन्होंने फ्रिज में रखी हुई दुकान वाले ने, ये देखो क्या हाल हो चुका है इसका। पर जैसी भी है पैसा तो खर्च हुआ है। भाई बच्चे लगभग पहुंच चुके हैं, ये देखिए सारे के सारे यहाँ पे खड़े हुए हैं, और ये है जीडी गोइंग का पश्चिम विहार में जो सेंटर खड़ा हुआ है, यहाँ पे पेपर चल रहे हैं बच्चों के, और हम भी कहीं यहीं पे गाड़ी लगा कर वेट कर रहे हैं, गाड़ियाँ आ रही है धीरे धीरे, बच्चे पेरेंट्स के साथ आ रहे हैं। फाइनली अनुष्का जा चुकी है स्कूल के अंदर पेपर देने के लिए, और देखते हैं कैसा क्या पेपर रहता है उसका। भाई काफ़ी देर से सो रहा था, टाइम हो चुका है 12:30, अनुष्का आने वाली है थोड़ी देर में, उसके बाद चलते हैं घर। काफ़ी नींद आई क्योंकि सुबह के टाइम बारिश आ गई थी, तो बारिश की वजह से मैं सो नहीं पाया था, क्योंकि काफ़ी हवा बहुत ज़्यादा ही तेज चल रही थी। और भाई अनुष्का ये सामने आ चुकी है, कैसा हुआ घंटे में पेपर हो गया, क्या बढ़िया हुआ, कैसा हुआ? अच्छा था, आधे घंटे में पेपर हो गया, 45 मिनट्स में सबका हो चुका था। अच्छा भाई सारे बच्चे बाहर आ चुके हैं गेट पे, और भीड़ लगने लग रही है लगातार, बच्चे बाहर आने की वजह से ट्रैफिक बढ़ गया काफी, फुल हो रहे हैं बच्चे, भाई फुल लो फुल। भाई बच्चे तो आ गए हैं बाहर, लेकिन गाड़ियों की लाइन उतनी ही ज्यादा, ट्रैफिक बढ़ रहा है इधर, पेरेंट्स आ चुके हैं सारे लगभग, स्कूल थे बस। अनुष्का का आज लास्ट पेपर था, अब अनुष्का की टेंशन हो गई खत्म, अब अनुष्का थोड़ा घूमने के लिए अपने नानी के घर जाएगी। इलेवेंथ भी है, लेकिन टेंथ की थी जो बोर्ड के एग्जाम की वजह से जो टेंशन थी वो तो कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी है, अभी तो रिजल्ट बाकी है, असली टेंशन तो और बाकी है। ये है यहाँ का गुरुद्वारा, समझ में नहीं आता कि आखिर नंबर क्या है, कभी भी नंबर ही नहीं पल्ले पड़ता, बाकी जैसे नॉर्मल गाड़ियाँ होती हैं सबका स्टेट वाइज का नंबर का पता होता है, लेकिन जो आर्मी की जो गाड़ियाँ होती हैं इनका नंबर हम लोग नॉर्मल जानकारी नहीं मिल पाती है, खुद के कोड होते हैं, हाँ खुद के अपने प्राइवेट कोड होते हैं उनके, खैर जो देखिए एक और भाई 12:45 हो गए, मौसम बिल्कुल खुल चुका है, वही धूप निकलने लग रही है, लेकिन अभी कहीं ना कहीं अभी थोड़ी सी गर्मी में राहत है, लेकिन ये कल तक क्या रिजल्ट आता है इसका मालूम नहीं है, फिलहाल में तो भाई एक नंबर। और ये हमारा राष्ट्रीय झंडा ध्वज जिसको कहते हैं हम, ये बेचारा फट चुका है, अभी इसको शायद दिल्ली गवर्नमेंट बदलेगी, लेकिन कल की आंधी ने इसको बिल्कुल ध्वस्त कर दिया, इनके किनारे देखो जो आगे की तरफ लहर आ रहे हैं, बहुत बुरी तरह से रात को आवाज़ हुई, बहुत तेज आवाज़ है।